हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपनी किचन का टूर करवाने जा रही हूं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि मेरी नई मॉड्यूलर किचन बन रही है। तो सोचा आज आपको ऑर्गेनाइज करने के बाद दिखा दूं कि मैंने कैसे लगाई है अपनी किचन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ फुल में अपनी किचन का। मेरी पैरेलल किचन है ये, ऐसे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इधर वाले कॉर्नर से। ये देखिए, ये मैंने आपको वीडियो में देखा होगा, ये आपने कई बार खड़ा करते हैं। और ये मैंने इधर रखी हुई है कॉर्नर में छोटी सी बास्केट, जिसमें है मेरे, ये देखिए, इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर रखा हुआ है। ये मेरे ग्लासेस रखे हुए हैं और ये क्लिपबोर्ड। ये चीज़ें क्या है ना, हर वक्त चाहिए रहती हैं, तो मुझे हैंडी चाहिए होती हैं, इसीलिए ये मैंने ऊपर रखी हैं। और ये है मेरा हॉब। और उसके बाद ये एक छोटी सी बास्केट और रख करके मैंने इसमें नमक, क्योंकि वो कांच की बॉटल में रखते हैं, तो ये मैंने कांच में नमक रखा हुआ है। ये मेरे लाइटर्स और घी, और दूसरा भी घी पॉट है। और ये सब इधर, ये भी मुझे चाहिए रहते हैं। इसमें मूंगफली है, शक्कर है, ये आज ही छुआरे रखती हूँ इसमें, आज ही ये क्लीन करा है मैंने धो करके, है ना। ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। अब ये इधर वॉशिंग एरिया है मेरा, चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। थोड़ा सा अभी गर्मी हो रही है तो क्या है ना, मैंने बंद कर रखा है। ये है मेरा वॉशिंग एरिया। इधर ये पीछे से ओपन है इधर सारा, इधर कोई बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई हैं और दूर दूर आपको दिखाई देंगी, इसलिए ये एरिया मुझे क्या, और जो भी कोई घर में आता है सबको बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, आपके तो बहुत ग्रीनरी दिख रही है और ओपन ओपन। नहीं तो मुंबई जैसे शहर में इतना ओपन एरिया कहाँ दिखाई देता है। और ये मेरी वॉशिंग मशीन है। और दोस्तों ये देखो, मैंने जो स्टैंड यहाँ से निकलवाया था बर्तनों का, ये यहाँ लगवा लिया है। इसमें कुछ भी सुखाना करना रहता है तो मेरा इधर ही चलता है ये, और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो तो इधर रख देती हूँ। और ये मेरी तुलसा जी हैं लगी हुई, यहाँ पूजा करती हूँ। तो चलिए बंद कर लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और अब दिखाती हूँ आपको ये ऊपर वाला एरिया, ये है। इसमें पानी का ये प्योरीफायर लगा हुआ है मेरा, और ये थोड़ी सी बॉटल्स वगैरह वाटर की, ये मैं भर करके इधर ही रख लेती हूँ। तो ये मतलब सिंक के ऊपर ही बनवाया है मैंने। और वो क्या कर रहा था कि मतलब जो मॉड्यूलर किचन वाला था, वो ऐसे इस ये चीज़ नहीं लगा रहा था, मैं आपको बताऊँ ये चीज़, और ऊपर से भी कवर नहीं कर रहा था वो, ये तो मैंने ये ना कवर करवाया है। और ये लगवाया है स्पेशल कि कुछ भी छोटा मोटा चीज़ आपको रखनी हो तो ये बिल्कुल ओपन करने वाले थे, नहीं तो यहाँ से। तो मैंने ये खुद लगवाया है, तो आप भी जब बनवाएं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे करवा लें तो ये स्पेस आपका यूज़ हो जाता है। और ये मैंने इसमें ये हैंडल ऐसे वाले लगवाए हैं, ये और रोज़ गोल्ड के हैं। और इसके साथ दिखाती हूँ, ये है मेरा एक कबर्ड, इसमें मैंने क्रॉकरी लगाई है। यही मेरा बर्तनों का स्टैंड लगा हुआ था, तो अभी बल्कि मेरी क्रॉकरी पूरी नहीं आई है, मैंने अभी थोड़ा ही करवाया था काम, मैंने कहा देखती हूँ रख करके। तो इसमें मेरे ये सब ग्लासेस और ये सूप बाउल और ये डिनर की प्लेटें और कुछ तो अभी इसी में रखे हुए हैं, अनबॉक्स भी नहीं करे हैं। तो एक ये सेक्शन हो गया है। इसके साथ में है ये माइक्रो का, ये माइक्रो के लिए बनवाया है सेल्फ। और इसके ऊपर है ये हाइड्रोलिक, ये देखिए, इसमें मेरे दोनों सैंडविच मेकर और ये हैंड ब्लाइंडर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। ये हो गया। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ मेरा ये पोर्शन है,
इसमें मेरे मिक्सी और बुलेट और ये मेरा घड़ा, ये सब रखा हुआ है मैंने। और इसके साथ में ये एक मैंने आपको इसकी वीडियो तो बना करके दिखाई थी, ये मैंने उससे मंगवाया था ऑनलाइन। ये रैक फ्रिज के साइड में ये रखा जाता है बेसिकली। तो ये हो गया, अब आ जाते हैं नीचे। तो नीचे ये मैंने बनवाया है एक, ये ओपन करने वाला ही बनवाया है। ये देखिए इसके अंदर मैंने रखा है अपना चावल हो गए, ऑयल हो गया, थोड़े ड्राई फ्रूट भी हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा राशन थोड़ा बहुत, और ये जो भी रहता है इसके अंदर आ जाता है मेरा सब। और ये मैंने बनवाई हैं 3 ड्रॉर हैं ये इसके अंदर, ये मैं दिखाती हूँ। देखिए बेसिक ये है, पहली वाली है, इसके अंदर आया है सब मेरी कटोरियाँ और ये सब कर्चली चमचे और ये मतलब जो कुछ भी रहता है सब कुछ इसके अंदर आ गया है मेरा, काफ़ी स्पेशियस हो गई है। सेकंड में है ये कप्स, मग्स, चाय के ग्लासेस, मेरे पानी पीने वाले, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और ये सबसे बड़ी है, इसमें फुल प्लेटें हैं और ये मेरे नॉनस्टिक तवा, नॉनस्टिक पैन, ये सब रहता है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से ये 3 ये हैं ऊपर नीचे करके। अब ये थर्ड वाला आता है सिंक के नीचे वाला, ये सिंक है और ये ऊपर ही मैंने ये रखे हुए हैं दोनों अपने। ये डिश वाशर है वो विम लिक्विड, और ये हैंड वॉश के लिए मैं यहाँ ज़रूर रखती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। अब देखते हैं ये नीचे वाला, ये देखिए ये डस्टबिन के लिए, मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों ऐसा ज़रूर बनवा लें ये रखने के लिए, बहुत आसानी रहती है। और नीचे सारा ये देखिए सब क्लीन रहता है। और ये ऐसे हुक्स ना ऐसे करके टांग लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पे ये डस्ट पैन है, ये बॉटल्स क्लीन करने का ब्रश है, और ये थोड़ा सा क्लीनिंग जाले वाले झाड़ दो जो रहते हैं उसके लिए मैंने ये सब हुक खुद लगा लिए हैं। तो देखिए नीचे से बिल्कुल क्लीन रहता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती। और इसी के साथ ये ना फुल बनाने वाला था यहाँ से लेके और यहाँ तक, लेकिन मैंने ये बीच में एक वो बनवाई है ट्रॉली, इसमें ये देखिए मेरा सारा आ जाता है सामान। ये मेरा लिक्विड रहता है, रिन लिक्विड है, इजी है, और हैंड वॉश के ये पाउचेस रखे हैं, और ये थोड़ा सर्फ एक्सेल ड्राई वाला पाउडर, और ये सब हैंड वॉश हैं, ये सब मेरा ये आला ब्लीच है क्योंकि वाइट कपड़ों के लिए मैं ये रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी, और ये डस्टबिन के बैग्स हैं, ये सब मेरा यहाँ आ जाता है। तो ये मैंने खुद ही उसको आइडिया दिया था, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे ये सब रखने के लिए फिर स्टोर का यूज़ करना पड़ता था नहीं तो। तो अब मेरा यहीं हो गया और बाहर ही मेरा वॉशिंग एरिया है। तो और इस तरीके से सब कुछ क्लीन रहता है और ये ऐसे कवर हो जाता है तो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ये वाली साइड आ जाते हैं, ये है मेरी हॉप वाला टॉप। इसमें देखिए सबसे ऊपर ये रखा है मैंने ये चकला बेलन और ये मसालदान मेरा, ये कुछ किचन के टॉवल्स और ये हींग और ये थोड़े टिफ़िन छोटी मोटी डब्बियाँ ये सब मैंने इसमें रखी हैं ऊपर वाले में। और ये सेकंड वाले में रखा है ये बड़े कढ़ाई कुकर और ये डब्बे छोटा फ्राई पैन और ये कद्दूकस, ये सब इसमें आ गए हैं। और सबसे बड़े वाले में दोस्तों मैंने रखा है ये बड़े भगोने कुकर, बड़े कढ़ाइयाँ, क्या कुछ नहीं होता किचन में, इतना सामान है कि मुझे लग रहा है कि ये इतना भी कम रहेगा मेरे को स्पेस, तो मुझे शायद और काम करवाना पड़ेगा। लेकिन इन लोग को क्या है ना, एक बार घर में करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है निकालना, ऐसा होता है ये फटाफट काम ख़त्म करें और निकलें। अब ये देखिए ये है मेरा गैस के बिल्कुल नीचे वाला ये मसाला पुलाउ, ओहो क्या गिरा भाई, ये मसाला पुलाउट है ये देखिए। और इसके साथ ही ये छलनी गिरी है, ये मैं अलग निकाल देती हूँ। ये मसाला पुलाउट हो गया और वो देखिए अंदर
ये सिलेंडर के साथ में, क्योंकि बंद इसमें ड्रार नहीं बन सकते थे, तो ये मैंने आलू प्याज की टोकरी रखी है, और ये थोड़े से एक दो डिब्बे हैं, और ये मेरा मसाला पुल आउट में चीनी पत्ती, मेरी कॉफ़ी, सारे ब्लैक सॉल्ट, ये मेरा नाश्ते का सामान ओट्स हो गया, मेरी उपमा के लिए सूजी भून के रखती हूँ मैं, मेरा ऑयल, हनी, ये सब मुझे जो कुछ भी चाहिए रहता है ये सब मैंने ऐसे रखा हुआ है, और ये हो जाता है बंद, बहुत काम आता है। और ये भी हो गया इधर से, और ये इसीलिए यहाँ पे वैसे जाली भी देते हैं ये लोग यहाँ पे इस जगह, बाहर इस जगह पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे थोड़ा सा हम गैप रखते हैं, और वैसे भी थोड़ा स्लोप में रहती है ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हवा आएगी, आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे हो गया मेरा आलू प्याज का सेक्शन, और साथ में ये मसाला पुल आउट, ये चीनी चीनी पत्ती दोनों डिब्बे मैंने साथ ही रखे हुए हैं, सब चीज़ें ये मुझे बहुत हैंडी चाहिए रहती हैं। और अब आता है ये साइड वाला पोर्शन, ये भी मैंने ओपन ही बनवाया है, इसमें मेरे ये सब दालों के डब्बे आए हुए हैं, ये देखिए, और इधर ये सब मेरी बूंदी, बेसन, ये सब दुनिया भर का सामान मेरा इधर है, और ये नीचे एक मैंने बास्केट सी रखी हुई है, इसमें मेरा सारा नाश्ता रहता है, नाश्ते का वैसे टपरवेयर का भी पीछे रखा हुआ है थोड़ा सा, मतलब सब भरे रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, बस उस पे आप ध्यान मत देना। तो ये था मेरा किचन का टूर, और ये देखिए, ये इधर फ्रिज है मेरा साइड में, और हाँ एक चीज़ दिखानी रह गई, और इसके ऊपर मैं ये लगा के रखती हूँ स्टिकी नोट, ये है, ऐसे लगा देती हूँ, और ये मैंने पेन साइड में लगाया हुआ है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, जो भी कुछ याद आता है फटाफट से लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बार बार आप डायरी यहाँ रखेंगे तो उसके लिए स्पेस अलग से चाहिए, तो ऐसे स्टिकी नोट में ये मैंने लगा लिया है इस पर, और ये यहीं लगा के रखती हूँ, और फटाफट से लिख दिया। तो दोस्तों ये था मेरा किचन का टूर, गर्मी हो रही है बहुत, तो देखा आपने कैसा लगा। वैसे मैं बताऊँ एक बात सच्ची सच्ची, कि जो पहले वाली किचन थी ना, उसमें यहाँ स्टैंड, इधर स्टैंड लगा हुआ था, फटाफट प्लेटें रख दो, फटाफट उसमें हैंग कर दो, तो उसका मज़ा अलग ही था। फ्रेंड्स, सहेलियों, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन अभी नहीं बनी हुई है तो प्लीज़ चिंता ना करें, बिना मॉड्यूलर के भी बहुत अच्छी लगती है, और सामान उसमें भी हम अगर एडजस्ट करके रखते हैं ना क्लीन करके, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप हस्बैंड से बिल्कुल झगड़ा ना करें कि मेरी मॉड्यूलर किचन नहीं बनी, क्योंकि मेरा भी सपना था कब मेरी बनेगी, कब मेरी किचन बनेगी, तो अब बन गई तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो आप भी इस बात का थोड़ा मतलब एडजस्ट करके रखें, और खुश रहिए, प्यार ही सब कुछ है घर में, ये सब चीज़ें तो मेटेरियलिस्टिक हैं, चलती रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये टूर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिएगा। कीप फॉर वॉचिंग, बाय बाय।